हाय फ्रेंड्स, मैं विमला। विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विधान किचन में बना है भिंडी दो प्याजा। अगर आप भी भिंडी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए। मैंने बनाया है बहुत ही इजी तरीके से और ये रेस्टोरेंट और ढाबा से भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। तो इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं भिंडी दो प्याजा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी दो प्याजा की रेसिपी। भिंडी दो प्याजा बनाने में बहुत इजी है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो बहुत इजी तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेने हैं भिंडी, इसे आपको अच्छे से धो लेना है। तो मैंने इसे धो लिया है और मैं हमेशा से सब्जियों को धोकर ही फ्रिज में रखती हूँ। अब हमें क्या करना है कि भिंडी लेनी है और इसके आगे का और पीछे का आपको हटा देना है इस तरीके से। अब क्या करना है कि मैं इसमें बीच में हल्का सा कट लगाऊंगी। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीस कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से आप भिंडी मीडियम साइज के लें और इसे इस तरीके से कट कर लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम भरवा भिंडी बनाते हैं उसके लिए कट लगाते हैं, वैसे ही आपको कट लगा लेना है। आप चाहे तो इसके दो पीस भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, इसके आगे पीछे का पार्ट हटाना है और इस तरीके से आपको कट लगा देना है। ये कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसमें जो भी मसाले हों वो अंदर तक जाएं और भिंडी काफी टेस्टी बने। तो कुछ इस तरीके से मैंने सभी भिंडियों को कट करके तैयार करके रख लिया है। और भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए हमें जरूरत की चीजें लगेंगी। प्याज चाहिए दो मीडियम साइज के, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। अदरक को मैंने कूट लिया है और लहसुन को हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे। आप चाहें तो कूट लीजिए मगर लहसुन को हम कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे, ऐसी लंबी लंबी स्लाइस में आपको कट कर लेनी है। यहाँ पर लहसुन को हमने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है और हरी मिर्च को भी मैंने बीच से कट लगा लिया है। कुछ इस तरीके से आपको कट लगा लेना है। आप चाहे तो जैसा आप कट करके यूज करना चाहे कर सकते हैं। अदरक को कूट लेना है और अब बारी है प्याज की। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज की प्याज लिए हैं और प्याज को किस तरीके से आपको करना है, इसके चार टुकड़े कर लेने हैं इस तरीके से। और इसकी जो गांठ होती है उसे निकाल लेना है। अब इसकी जो स्लाइसेस हैं ऐसे हमें निकाल लेनी है, इस तरीके से खोल लेना है, बहुत इजीली निकल जाता है। इस तरीके से अगर आप भिंडी दो प्याजा में प्याज को यूज करेंगे तो लुक काफी अच्छा आएगा और काफी टेस्टी भी लगता है। सारी सब्जियां रेडी हैं, अब चलते हैं हम भिंडी दो प्याजा बनाने। उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई काफी गर्म हो गई है तो इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा हम ज्यादा ऐड करेंगे और अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो आप उसको यूज करें, उससे काफी ज्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। ऑयल अच्छे से गर्म है तो हमें ऐड करना है दो पिंच मेथी दाना, मेथी को अच्छे से क्रैक होने देंगे। मेथी क्रैक हो रहा है तो हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा। अब इसमें हम ऐड करेंगे कूटा हुआ अदरक और साथ ही ऐड करेंगे गार्लिक। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और हल्का ब्राउन होने देंगे गार्लिक को। गार्लिक ब्राउन हो गया है तो हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। और भिंडी के साथ ही हम ऐड करने वाले हैं प्याज। भिंडी जैसे जैसे रोस्ट होगा तो प्याज भी हमारा रोस्ट हो जाएगा।
मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें भिंडी और प्याज को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। भिंडी और प्याज लगभग रोस्ट हो गया है, तो अब इसमें ऐड करने वाले हैं हम कटी हुई मिर्चें, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और खटास के लिए थोड़ा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ऐड करने से भिंडी का लसलसापन दूर हो जाता है, इसलिए हमने पहले ही अमचूर पाउडर ऐड कर दिया। इसे मिक्स करेंगे और एक मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। अब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला, और ऐड करेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए। मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे टमाटर के गल जाने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, भिंडी दो प्याजा बनकर के तैयार है। टमाटर भी अच्छे तरीके से गल गए हैं जैसा हमें चाहिए था। लुक आप देख रहे हैं कितना टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। तो बस अब इसका एंड करते हैं। एंड में हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, तो इसे हाथों में लेकर के हम इसे हल्का क्रश करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म भिंडी दो प्याजा सर्व करेंगे। आप इसे रोटी पराठा, तंदूरी के साथ, पुलाव के साथ या फिर राइस और दाल के साथ एंजॉय करें। काफी टेस्टी है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म भिंडी दो प्याजा काफी डिलीशियस है, टेस्टी है और काफी इजी रेसिपी है। आप इसे कभी भी झटपट बना सकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। बच्चे बड़े भिंडी की सब्जी जरूर खाएंगे और अगर इतना टेस्टी और डिलीशियस बनेगा तो बार बार मांग कर खाएंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए। भिंडी दो प्याजा रेस्टोरेंट और ढाबा भी फैल है इसके आगे, क्योंकि घर का खाना तो घर का होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी भिंडी दो प्याजा पसंद आया है तो रेसिपी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय।